हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अपने होम रेंट का पेमेंट करते हो तो आपके लिए एक बुरी खबर। और क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने के लिए हम लोग नॉर्मली किसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रीचार्ज ऐप या फिर क्रेड ऐप। तो इस पर्टिकुलर टू ऐप्स का हम लोग ज़्यादा करके यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पर कन्वीनियंस चार्जेस बहुत ही कम रहते हैं। और इस कन्वीनियंस चार्जेस को हम लोग जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में रिडीम भी करवा लेते हैं। मतलब अगर हम लोग 10,000 का रेंट पेमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें 1% का अगर कन्वीनियंस फीस लग रहा है तो उसी के ऊपर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट से हम लोग उसको कवर कर लेते थे। तो इसी फैसिलिटी का बहुत सारे कस्टमर मिसयूज़ कर रहे थे और खुद के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए रेंट पेमेंट का यूज़ कर रहे थे। तो इसको ओवरकम करने के लिए पहले तो एक्सिस बैंक, जिसने अपने रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन के ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स देना बंद कर दिया। मतलब पहले अगर 10,000 रुपीज़ का हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे, उसके ऊपर 1% के हिसाब से कुछ हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते थे, तो अभी इन्होंने उस रिवॉर्ड पॉइंट को देने से इनकार कर दिया है। तो आप जितने भी रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उसको फॉलो करते हुए अभी ICICI बैंक ने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया है कि 20 अक्टूबर से जो भी रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके होगा, उसके ऊपर 1% के चार्जेस एडिशनल लगाए जाएंगे। मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो चार्जेस लगते हैं कन्वीनियंस चार्जेस, वो अलग से ऊपर से ICICI बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी 1% के एडिशनल चार्ज लगाएगा ओनली फॉर रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन के लिए। तो आप मेक श्योर कीजिए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम पेमेंट करो रेंट का अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एक्सिस बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। और अगर आपको ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो स्पेसिफिकली 20 अक्टूबर 2022 से आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।